नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सपोर्ट में आपका स्वागत है। चलो, आज बहुत दिनों के बाद मुझे मौका मिला है वीडियो बनाने का, और सभी की रिक्वायरमेंट भी थी कि अर्निंग कैसे करें इसके बारे में आप बताइए। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि एडमोब की अर्निंग कैसे करती है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस मोबाइल में आप या ऐप यूज़ करते हैं उस मोबाइल में कौन सी भी सोशल मीडिया साइट जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए मोबाइल में। और दूसरी बात, उस मोबाइल पे इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स भी नहीं आनी चाहिए, मतलब कि आपके मोबाइल में खाली सिर्फ आपका ऐप ही यूज़ होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से जो आपको ट्रिक यूज़ करनी है उसके बारे में। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे बैकअप और रिसेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको फैक्ट्री डाटा रिसेट करना है। जैसे ही पूरा डाटा रिफ़्रेश हो जाएगा, मतलब मोबाइल आपका रिसेट हो जाएगा, उसके बाद आपको नया ईमेल आईडी डाल के उसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको उसमें जो भी ऐप है जो मैंने डिसेबल कर दिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इतने ऐप आपको डिसेबल कर देने हैं। 4 जीमेल, गूगल ऐप, गूगल प्ले म्यूज़िक एंड टीवी, गूगल प्ले म्यूज़िक, हैंगआउट, जो भी अपने मैप, तो पहले से ज़रूरी याद रखना कि मैप को डिसेबल करना है। फ़ोटो, यूट्यूब, जो भी है आपके ऐप मोबाइल में, सिर्फ वो ही ऐप रखना जिसकी आपकी ज़रूरत हो। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पे मेरे जो ऐप बनाए हैं वो है, एक VPN है और UC ब्राउज़र है, बाकी मेरे मोबाइल में कुछ भी नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ये स्टेप आपने फॉलो किए तो आपको एक भी डॉलर नहीं कटेगा। और यहाँ पे लोकेशन हिस्ट्री भी आपको ऑफ कर देनी है, ये लोकेशन सर्विस, इसको ऑफ कर देना है। यहाँ पे ऑन है तो इसको ऑफ कर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि कैसा करना है। जैसे आप अपने मोबाइल में सेटअप करेंगे, ईमेल आईडी डाल कर रजिस्टर करेंगे, तो पहले आपको, जैसे आप स्टार्ट करोगे, आपको सेटिंग में जाना है। इसके बाद ऐप मैनेजर, यहाँ पे जितने भी ऐप दिख रहे हैं आपको उसको आपका डाटा क्लियर करना है। तो चलिए मैं डाटा क्लियर कर देता हूँ। ये अभी रिकॉर्डिंग चालू है तो इसका नहीं रख करने वाला मैं। तो प्ले, गूगल प्ले सर्विस, इसका डाटा क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद सर्विस का डाटा पहले से क्लियर है। प्ले स्टोर, इसका डाटा क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद मेरा ये मराठी तड़का का ऐप है, इसका क्लियर है। ये मेरे फ्रेंड का है, ये भी क्लियर करता हूँ। ये भी फ्रेंड का है, ये भी क्लियर है। ये टर्बो VPN का भी क्लियर कर देता हूँ। और मैं बेस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप UC ब्राउज़र यूज़ करें, क्योंकि गूगल 4 में ट्रैक होने की ज़्यादा मतलब रिस्क है। मैंने डाटा क्लियर कर दिया। तो पहले हमें नेट चालू करना है। देखिए, मैंने नेट चालू कर दिया, और मैं बेस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप जियो का eSIM इस्तेमाल करें, क्योंकि उस पे ऊपर कस्टमर केयर के कॉल नहीं आते, कंपनी के कॉल नहीं आते।
मेरे नेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं एक स्टॉप करके आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैंने नेट ऑन कर देता हूँ। ये देखिए मेरा नेट ऑन हो गया। नेट ऑन होने के बाद आपको VPN में जाना है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप US बिल्कुल भी सेलेक्ट मत कीजिए। यहाँ पे आप अदर कंट्री सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि कनाडा। कनाडा में भी अच्छी CPC है। कनाडा में कम से कम $20-25 की CPC मिलती है। तो ये अभी फुल है, तो मैं इसको फिर से इसका डाटा क्लियर करके इसको ऑन करता हूँ। ऐसा प्रॉब्लम आता है सवेरे, लेकिन आपको सवेरे सवेरे सिर्फ इम्प्रेशन दे के रखना है। सवेरे जैसे आप पूरा इम्प्रेशन दे के रखोगे, तो आपको क्लिक जो करनी है वो 10:30 बजे के बाद करनी है। तो मैंने अभी इम्प्रेशन तो नहीं दिया है, मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं बाद में इम्प्रेशन दे दूँगा। एक क्लिक को कम से कम 200 इम्प्रेशन होना चाहिए। जितना आप इम्प्रेशन दोगे उतना ही आपका CTR कम होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फुल आ रहा है, तो मैं इसको पॉज करके आपको बाद में एक कनेक्ट होने के बाद क्लियर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये कनाडा अभी ग्रीन हो गया, तो मैं कनाडा से कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट होने के बाद इसको मिनिमाइज कर दीजिए और अपने ऐप में जाइए। ये मेरे दोस्त का ऐप है, मैं इसे क्लिक किया। अभी उसमें ऐड लोड होंगी। थोड़ा टाइम ले रहा है, तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ। ये देखिए ऐड लोड हो गई। तो इसको स्क्रिप करना है, और इम्प्रेशन के बाद आपको क्लिक करना है। तो मैं एक बार स्क्रिप करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इंडस्ट्रियल ऐड 5 लगाई है और बैनर ऐड 7 लगाई है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन रिफ्रेश करने के बाद मैं बताना चाहता हूँ, ये जो बैनर ऐड है इसको आपको 10 सेकंड तक देखना है। 10 सेकंड देखने के बाद आपको रिफ्रेश करना है, तो इंडस्ट्रियल ऐड लोड होगी। ये देखिए इंडस्ट्रियल ऐड लोड हो गई। तो मैं अभी अच्छे वाले ऐड को, जिसको CPC ज़्यादा है, उसको क्लिक करने वाला हूँ। ये ऐड है इन्वेस्टमेंट टुडे, टोटल वेल्थ वाली जितनी भी ऐड है उसको कम से कम 10-12 की CPC रहती है। तो इस ऐड को छोड़ना मत, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको उस ऐड में कम से कम 1 या 2 मिनट तक रुकना है। कुछ भी करो, अंदर किसी लिंक को क्लिक करो, लेकिन आपको ये जो क्लिक करनी है उसको 10:30 बजे के बाद ही क्लिक करनी है। चलिए ऐड लोड हो गई। इसमें कम से कम 2 मिनट तक आपको रुकना है, कम से कम 1 मिनट। यहाँ पे किसी ऑप्शन को क्लिक करके आप देख सकते हो। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो मैं इसको आपके लिए 40-50 सेकंड तक ही देखूंगा, बाद में इसको स्क्रिप कर दूंगा। जैसे कौन सा ऑप्शन आपने क्लिक किया तो उसको 10 सेकंड तक देखना चाहिए, तो वो क्लिक मतलब इनवैलिड नहीं होती है। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ज़रूर देखिए।
अबाउट अब ये होने के बाद ये समझो आपने पूरी ऐड देख ली, अभी एक मिनट के आसपास हो गया होगा, तो आपको सीधा बैक आना है। ये देखिए मैंने बैक कर दिया। बैक आने के बाद आपको एग्ज़िट करना है अपने ऐप से। एग्ज़िट करने के बाद आपको सीधा नेट बंद कर देना है। नेट एक बार अब मैं आपको एक ही क्लिक करनी है, अब एक दो क्लिक मत करिए, खाली एक ही क्लिक करिए, फिर बैक आइए, नेट बंद कर दीजिए, VPN को डिसकनेक्ट कर दीजिए। VPN को डिसकनेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने सेटिंग में जाना है। एक 5-10 मिनट रुक के आप कर सकते हैं दूसरी क्लिक, तो फिर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको पूरा डाटा क्लियर कर देना है। ये पूरा डाटा क्लियर करने के बाद आपको फिर से वही प्रोसेस करनी है जो मैंने पहले बताई थी, कि फिर से VPN कनेक्ट करो, कनाडा सेलेक्ट करो, एक क्लिक करो, फिर वापस आओ। ऐसी प्रोसेस आपको हर बार करनी है, मतलब एक क्लिक करने के बाद आपको फिर से डाटा क्लियर करना है और फिर से क्लिक करनी है। ये ट्रिक से आपका अकाउंट सस्पेंड भी नहीं होगा, डिसेबल भी नहीं होगा। तो ये ट्रिक बहुत काम की, मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको प्रूफ भी दिखाया था, और इस मतलब फरवरी का मैं प्रूफ आपको 25 तारीख को दिखाऊंगा। $2,050 और मैंने कमाए थे, उसमें से खा लिए मेरे $2,250 मैंने पिछले महीने मेरे फरवरी में किए थे, तो उसमें से मेरे खाली $30 कट